आज मैं और मेरी मम्मी आए हैं हमारे बिल्डिंग के फन एंड फेयर में। ये देखिए बहुत सारे खाने के स्टॉल्स हैं और मुझे भी काफी एक्साइटमेंट हो रही है कि सबने क्या क्या रखा, तो चलो जाके देखते हैं क्या क्या खाने की चीजें। गेम्स भी है तो आप भी मेरे साथ चलें। फन एंड फेयर में एंटर करने से पहले कर लेते हैं गणपति जी के दर्शन। हर अच्छे काम की शुरुआत गणपति जी के दर्शन के साथ ही होनी चाहिए। भूंगला बटेटा काठियावाड़ना स्पेशल छे रे। अच्छा चल ध्यान है। हाँ हमारी मोटी बहन। हाँ हमारी मोटी। अच्छा हाँ बाजारे में तू देखा थी ना? देखा ही छे। जय श्री कृष्ण। और खाने के साथ साथ यहाँ पे ज्वेलरीज की भी बहुत अच्छी शॉपिंग थी। यहाँ पे है राजस्थान की सबसे फेमस दाल बाटी का स्टॉल और उसके बाजू में सूरत की आलू पूरी। आपने अगर सूरत की आलू पूरी नहीं खाई है तो यू आर मिसिंग समथिंग। सूरत की सबसे फेमस डिश आलू पूरी। यहाँ पे होममेड केक का स्टॉल है और ये बहुत ही डिलीशियस थी, मैंने भी ट्राई किया। और पेस्ट्री के बाद मैंने देखा कड़ी कचौरी का स्टॉल, ये भी मुझे ट्राई करने का बहुत मन था, बट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था क्या खाए और क्या नहीं। और उसके बाद था गुजराती खिचड़ी का स्टॉल। क्या बना रहे हो? अरे बहुत डिलीशियस लग रहा है। ये किसका है? और यहाँ पे था चीज मसाला पाव का स्टॉल, ये भी बहुत ही अच्छी आइटम मुझे लगी, ये भी मैंने ट्राई किया, सो इट वॉज रियली गुड। और उसके बाजू में थे पिज्ज़ा खाखरा, ये तो मुझे बहुत ही डिलीशियस लगे। सूरत का पिज्ज़ा खाखरा भी बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे बन रही है गरम गरम कच्ची दाबेली। और सबसे अच्छी बात है सबने अपने घर पे खाना प्रिपेयर करके लेके आए थे, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। होममेड खाने की क्वालिटी तो हमेशा से ही अच्छी होती है। हाय, स्तुति आइकॉन की सबसे फेमस, डांस में सब में फेमस। और यहाँ पे थी स्वीट कॉर्न भेल, उसके बाद था बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी पाव भाजी का स्टॉल। और यहाँ पे गेम्स के साथ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी। और यहाँ पे हमने सारे स्टॉल्स देख लिए, अब हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले क्या ट्राई किया जाए। बिजू सूप सैंडविच सारी छे। और यहाँ पे मेरी मम्मी पानीपुरी के स्टॉल पे आई है। मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो शुरुआत पानीपुरी से की जाए। मुझे पानीपुरी नहीं खानी थी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी अपनी पानीपुरी इंजॉय कर रही है और यहाँ पे गेम के स्टॉल्स में भी सारे किड्स बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और इस बार फन एंड फेयर में बहुत ही क्राउड आया था, रिस्पांस बहुत अच्छा था और किड्स के लिए ये फन एक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं आ गई भूंगड़ा बटेटा के स्टॉल पे। भूंगड़ा बटेटा ये काठियावाड़ी डिश है और मुझे ये बहुत ही पसंद है, तो मैं विदाउट फेल हमेशा फन एंड फेयर में भूंगड़ा बटेटा ट्राई करती हूँ। ये गुजरात का बहुत ही फेमस भूंगड़ा और बटेटा बहुत ही फेमस है, तो चलो अभी मैं खा के आपको बताती हूँ कैसा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत मजा आ रही है। वेरी गुड फूड खाई रहा है। अब मैं खींचू खाई रहा है तो रेहू से खींचू सर से गरम से गरम वाले से। चलो यहाँ पर और कुछ ट्राई करती हूँ। सस्ती भाभी के स्टॉल पे बियर, फ्रूट बियर हो और साथ में चकना ना हो। तो यहाँ पर क्या प्राइस है? एक दाबेली आप जो माने 30 रुपीस एक पीस का। वन पीस
यहाँ पे मुझे काबिली बहुत ही टेस्टी लग रही है, अभी मैं काबिली ट्राई करने जा रही हूँ। अच्छी ताबेली, ताबेली तो बहुत ही टेस्टी थी, अभी देखती हूँ कि क्या लेती हूँ, चलो देखते हैं। आओ मेरे। तू बनाओ छो। अरे वाह, मैंने एक प्लेट खींची आप छो। अभी और थोड़े स्टॉल्स देखती हूँ, सोच रही हूँ क्या लूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे वैरायटीज के खाने और सब खाने होममेड है। और यहाँ पे गणपति बाप्पा की आरती भी शुरू हो गई है। तुम्हारा भूंगड़ा बटेटा बहुत सरस था, बहुत बहुत टेस्टी आता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। घरे बनाए हो तवा पुलाव? अच्छा अच्छा, तमे रायका जो ब्रेड पिज्जा। ओके अपने दे रहे Everybody in the world line. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग आई है गेम खेलिए। ठंडी ठंडी बियर, फ्रूट बियर, बिकॉज बियर इज बैंड, सब लोग आ जाइए। और चीरू, चीरू भी है, मेरे को एक चीरू देना। गुजराती और चीरू ना हो ये। स्तुति आइकॉन की शान और स्तुति आइकॉन की जान। कितना पापा का आशीर्वाद? हाउ मच? 15। आज रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है और खाना भी बहुत अच्छा है। ट्राई किया आपने? क्या खाया आपने? मैंने खाया ब्रेड पिज्जा, बहुत अच्छा और है। एक नूडल्स खाए। अच्छा है नूडल्स, अच्छा। यहाँ पे था बेक्ड वड़ा पाव और मंचूरियन का स्टॉल, और उसके बाद मैं गई पेस्ट्री के स्टॉल पे। ये सारी पेस्ट्रीज होममेड पेस्ट्रीज है और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज थी, जैसे चॉकलेट थी, ब्लूबेरी थी, पाइनएप्पल थी। मैंने ब्लूबेरी ट्राई किया। पेस्ट्री हम सबके लिए वैरायटी ऑफ पेस्ट्रीज तैयार करके आई है और बहुत ही अच्छा, अपने मतलब कोई रेडीमेड नहीं है, कीर्ति ने खुद ने बनाई हुई है हम सबके लिए। किसी के घर पर ओके, होममेड सारा। कौन कौन से पेस्ट्रीज है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत ही यूनिक आइटम है कढ़ी कचौड़ी, तो भाभी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ अगर कढ़ी कचौड़ी के लिए कुछ कहना चाहो और कुछ स्पेशल ऑफर हमारे स्टूडियो आइकन वासियों के लिए बताना चाहो। कचौड़ी नाम सुनने आजकल तो भी सब है कॉन्शियस है, तो हमको लगता है कचौड़ी बहुत तली हुई होगी, लेकिन ये देशी घी में बनी हुई है, कड़ी भी देशी घी में बनी हुई है और ये घी भी डाला हुआ है इसमें ताकि वो पचने में भी अच्छे रहे और होम मेड है। तो राजस्थानी कचौड़ी एक बार खाएंगे ना वापस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज राजस्थान पूरा यहाँ स्तुति आइकॉन में आ गया है, तो हम सबके लिए भी ये खुशी की बात है कि हमको ये राजस्थान की स्पेशलिटी खाने के लिए राजस्थान नहीं जाना पड़ रहा है। जी और मैं सभी लोगों की मुलाकात लेकर वापस गया। अगर ट्रेन खींचू हमारी टीम से घनश्याम भाई और सुनील भाई, जयेश भाई पारे, चार ट्रेन खोल कोको हम सबके लिए, सूरत का फेमस खोल कोको केवे तुम्हारे कोको और चार भाई, मजा आया। जल्दी आओ, खाली करके से जल्दी आओ। ये जनता नूडल्स अने दही पूरी टीमिंगना विकास भाई अने अशोक भाई आपने माटे यहां से सस्ता कहीं नहीं।
जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है, पूरी तैयारी बच्चों का खुद कर लिया और घर से भी उन्होंने ढूंढ के रखे हैं क्रैकल मसाला और चीज वाला पाव बनाया हुआ है। आइए तो एक बार जरूर टेस्ट कीजिए। ये मैंने खाया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। उन्होंने कच्छ की स्पेशलिटी कच्छी दाबेली बहुत टेस्टी बनाया हम सबके लिए, बहुत मतलब लाइव कच्छी दाबेली है। यहाँ पर ही बनेगी और यहाँ पर ही मतलब गर्मा गर्म कच्छी दाबेली सबने ये तैयार करके लाए। भाई मजा आया। हमारे ईमेल के मंडली में हम सबके लिए स्वीट कॉर्न मेल तैयार करके लाए हैं, तो बाकी आप थैंक यू भाभी, आपको भी थैंक यू के आपने यहाँ पर हमारे लिए स्वीट कॉर्न का स्टॉल लगा के सबको स्वीट कॉर्न मेल खाने का मौका दिया। थैंक यू आईफोन का सबसे फेमस गेमिंग स्टोर लेवल अप जाओ। आईफोन में पाव भाजी हो और अनिल भाई ना हो वैसा भले ही नहीं, हमारी लॉन्च करने वाले अनिल भाई है। तुमसी आईफोन में पाव भाजी अगर किसी ने भी लॉन्च किया है तो वो हमारे अनिल भाई ने। तो अनिल भाई प्लीज मैं कुछ करूँ उसके बारे में सोच पता नहीं क्या है। ये तो एक कैंटू कैटर है, ये गणपति बाबा हम सबको एक होने का एक बहाना देते हैं। सब लोग आओ, आओ पियो, एंजॉय करो और बस गणपति का गुण गाओ। गणपति बाबा ये इतने प्यारे क्षण है, जैसे ये प्यारे हैं वैसे ही प्यारे पावनजी हैं। मुझे 11 साल हो गए आईफोन में और ये 11 साल से पावनजी आईफोन में खा गया है। अभी ऐसे ही कभी वैसे कैसे भी कोई पैसे वाले को पड़ नहीं है, पर हमारे मित्र हमारी छुट्टी रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों की भूमिका करती है। भाई मजा आया। दूसरा फूड स्टॉल है स्प्रिंग रोल, दीपक भाई पुंगी भाई के नाम से हम प्यार से उन्हें पुंगी भाई बुलाते हैं। तो दीपक भाई ने उनके फैमिली ने स्प्रिंग रोल तैयार करके लाए हैं हमारे लिए। तो ठंडा करना चाहते हो खर्चा नहीं करने की जरूरत है, होलसेल रेट में ड्राई फ्रूट हमारे अमित भाई और हरी भाई के वाले होलसेल रेट में ड्राई फ्रूट है। जो स्पॉन्सर है वो हमारे चिराग भाई हैं, चिराग भाई एंड फैमिली, मूर्ति के स्पॉन्सर चिराग भाई एंड फैमिली। जोरदार तालियां चिराग भाई के लिए। बहुत सालों बाद किसी ने ऐसा दिल दिखाया है मूर्ति स्पॉन्सर का, तो हम चिराग भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। आदेश टोल ये स्टेज के लेफ्ट साइड और दो बच्चे ने गेम शो रखा है, तो आई एम सो खुश। आप अपने गेम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? भाई मजा आया। पानी पूरी और सेव पूरी
हमारे सीरी से नीरज भाई के घर से फर्स्ट प्लेस है पानीपुरी और सेवपुरी। काठियावाड़ी स्टार्टर है बजे का भूंगा, बहुत ही फेमस स्टार्टर है काठियावाड़ी में। ખાવાની સાથે સાથે રાજકીય ભી આયોજન થયું છે, આપણે કેવાય ગુજરાતી છે ને ગુજરાતી એની ડિશમાં જો રાઈસ ના હોય ને તો એને જમવાનું અધૂરું લાગે, તો આજે આપણું જમવાનું અધૂરું ના રહે એના માટે કમલેશભાઈ જીવીનના એમના ઘરેથી તવા પુલાવ અને ફ્રાઈડ રાઈસ, જેને ચાઇનીઝ ખાવું હોય એની માટે ફ્રાઈડ રાઈસ છે અને જેને ઓથેન્ટિક ઇન્ડિયન પીઝા પીઝા જોઈએ તો એની માટે તવા પુલાવ છે, તો બંને વેરાયટી આપણી પાસે રાઈસમાં છે। ગણપતિ બાપ્પા ઓરિયા મન્નાન મુંડી ઓરિયા પૂરી તૈયારી સાથે આપણી માટે ચોકલેટ વેફર નું આયોજન કર્યું છે, તો અવશ્ય આ ચોકલેટ વેફર ટ્રાય કરે। ઢોકળા આપણા ગુજરાતીઓમાં કહેવાય ને અમર ફાફડા ઈદળાની ઢોકળા, કરીના કપૂરનો હાંડવો ફેમસ છે, આ હાંડવો ઢોકળા આ બધું પ્રોપર ગુજરાતી ખાવાનું કહેવાય, એટલે લાઈવ ઢોકળા આપણી માટે અહીંયા કેતનબેન તૈયાર કરીને આવ્યા છે, તો રેગ્યુલર ડેઇલી ટિફિન સર્વિસ પણ એ પ્રોવાઈડ કરે છે, તો જે કોઈ બી આ ટિફિન સર્વિસ મેં આગળ જાહેરાત કરી છે હવે હું એ જાહેરાત ફરી એકવાર આસપાસ કરી દઉં કે હવે મને સત્તર પડશે એવું લાગે છે, તો હું કહી દઉં હું કહી રહ્યો છું જે કોઈ બી પોતાની વાઇફનું ખાવાનું ખાઈ ખાઈ કંટાળી ગયા હોય આ ના ભાવતું હોય તો ડેઇલી ટિફિન સર્વિસ બી અહીંયા છે, તો એ અવશ્ય એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। આ તો મજા કે વાત હતી, બ્રેડ પીઝા બ્રેડ પીઝા અત્યારે આપણી સામે જઈને લાઈવ તૈયાર થઈ રહ્યા છે, બ્રેડ પીઝા સિગ્નેચર વર્ઝન છે, કોઈને બી પીઝા બાકી હોય ટેસ્ટ કરવાના તો બ્રેડ પીઝા જલ્દી જે અહીંયા આપણી માટે તૈયાર કરીને લાવ્યા છે, આમચા મુંબઈ આમચા મુંબઈ ચીઝ ગ્રીલ વડાપાઉ, મુંબઈની જાન છે વડાપાઉ, મુંબઈની આન માન જાન શાન જે કોઈ છે વડાપાઉ, ગણપતિનો દેવાળો અને મુંબઈ મુંબઈનો ટચ ના મળે તો વડે રે આપણે સ્ટુડિયો આઇકોન વાસીઓ માટે મુંબઈ અડધું અહીંયા આવી ગયું છે એવું કહી શકાય, ચીઝ ગ્રીલ વડાપાઉ અને સાથે સાથે મંચુરિયા બંને વેરાયટી આપણી માટે છે। હમારે યહાં એસા હી હોતા હૈ લો બજેટ વાળી આઈટમ કેવાય આલુ પૂરી, અને એક અનાઉન્સમેન્ટ કરવા માંગુ છું કે બહુ લિમિટેડ વેચી છે લો બજેટ અને મોટો મોટો બહુ બહુ લિમિટેડ સ્ટોક વધે છે, તો હજી બી કોઈને આલુપુરી ટેસ્ટ કરવાની હોય પ્રાઇસ જલ્દીથી આવી જાય અને આલુપુરી ટેસ્ટ ઓન્લી 20 રૂપીસ ભાઈ મજા આયા રોનકભાઈ તો એમનો એક સ્ટોલ અલગ પહેર્યો છે આલુ પૂરીનો, પણ બાકી કે ભાઈ મને તો મારો સ્ટોલ સેપરેટ જ જોઈએ, મારી રસોઈનું ક્રેડિટ મને જ મળવું જોઈએ, એટલે રિંકલ ભાભીએ દાલ બાટી રાજસ્થાની ફેમસ ખાવો દાલ બાટી આપણા સૌ માટે તૈયાર કરીને આવ્યા છે, મેં ટ્રાય બી કરી બહુ જ જોરદાર બનાવી છે રિંકલ ભાભી દાલ બાટી, મેં લાસ્ટ ઇયર બી ટ્રાય કરેલી આખો વર્ષ તમે મને વેઇટ કરાવ્યું છે આ વર્ષે બી ટ્રાય કરી છે ખરેખર જોરદાર બનાવી છે દાલ બાટી,
तो बीजा कोई अजी जो दाल बाटी में बाकी हो तो रही ना जता ना सीधी आवता वर्षे वर्षे अरे आ वर्षे चांस नहीं रही है નવરાત્રી નો બી પૂરો પૂરો લાભ સિંગલ બેન એડવાન્સ માં લઈ લીધો છે. ગણપતિ બાપા બોલો અમે વાત હતી जैसे आपने देखा मैंने अपनी बिल्डिंग का फन एंड फेयर बहुत ही एंजॉय किया. काफ़ी सारी नई नई वैरायटी के मैंने खाने ट्राई किए और बाद में गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेके मैं घर की ओर चल पड़ी. ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय.